चलिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है सौरभाई कैंपस। सौरभाई कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लास्ट टाइम पे हमने लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट किया था लास्ट में। आज हम लोग इंसर्ट करने जा रहे हैं कि एक नोड इंसर्ट करेंगे वो कहाँ पे, बिगनिंग में। ठीक है, मतलब स्टार्ट में एक नोड को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास एक नोड है जिसको हमें इंसर्ट करना है कहाँ पे, स्टार्ट पोजीशन पे, मतलब बिगनिंग में। ठीक है ना, आपको कहाँ करना है, स्टार्ट में। ठीक है, मतलब बिगनिंग में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट में एक नोड इंसर्ट का कोड लिखेंगे। चलिए क्या करना है, एक लिंक लिस्ट है, देखिए ये एक लिंक लिस्ट दी हुई है, ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा कि उन बच्चों तक भी ये चीज़ पहुंच जाए जो लिंक लिस्ट को बहुत टफ मानते हैं। देखिए ये स्टार्ट पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर इस नोड का एड्रेस 1042 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 1045, इसका मान लेते हैं 1048। ये एक लिंक लिस्ट है जो गिवन है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 45 है, यहाँ 35 है, यहाँ 25 है और ये नोड के पास कुछ नहीं है, लास्ट में तो नल रखेगा। इसके पास क्या होगा, इसके पास 1048 होगा तो ये इसको टेंस करेगा। इसके पास क्या होगा, 1045 होगा तो इसको टेंस करेगा। ठीक है, अब चूंकि स्टार्ट पॉइंटर के पास क्या होगा, 1042 होगा, कुछ ऐसी पोजीशन होगी जिसमें लिंक लिस्ट को हमें इंसर्ट करना है, सॉरी एक नोड को इंसर्ट करना है। ये वो न्यू नोड है जिसको हम चाहते हैं इंसर्ट करना। ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यू नोड है जिसको हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका एड्रेस मान लेते हैं 1036 मान लेते हैं। ठीक है, ये 10 है और इसके पास कुछ नहीं है तो नल होगा। ठीक है ना, अब इस नोड को इंसर्ट करना है तो करना क्या है, लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक हमारी सिंपल है। लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक कहती है कि ये जो 1036 है इसको उठा के यहां कर दिया जाए, बस और क्या। ये तो कहना है कि 1036 हमारी कहां चली जाए, फर्स्ट नोड के एड्रेस पे। क्या यही करना है, क्या यही करना है, नहीं भैया नहीं। वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, वीडियो ध्यान से देखिए, इससे प्ले करने का मतलब नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। हमें करना क्या है, हमें ये चीज़ थोड़ी करनी है, वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये 1045 अपने स्थान पर रहेगा। हमें क्या करना है, इस वाले को हटाकर यहाँ पे 1036 ले आना है, यहाँ से कनेक्शन को ब्रेक करना है और स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ सेट करना है। और क्या करना है, न्यू नोड की जो लिंक फील्ड है इसको नल से हटाकर जो 1042 है इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, 1042 को यहाँ पे प्लेस कर देना है तो यहाँ 1042 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये इसको टेंस करने लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो हमारा न्यू नोड है, न्यू नोड कहाँ चला जाएगा, स्टार्ट पे। ठीक है, अगर हम स्टार्ट को अपडेट कर देंगे तो ये एड्रेस हमको मिल नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट के पास अभी क्या है, 1036 है। तो मैंने कहा स्टार्ट कहाँ चला जाए, न्यू नोड की लिंक फील्ड पे। हमने कहा स्टार्ट का जो भी मान है वो कहाँ चला जाए, न्यू नोड की लिंक फील्ड पे। ठीक, देखो फिर देखो, न्यू नोड की लिंक फील्ड ये है, इस पे आ गया स्टार्ट। स्टार्ट के पास क्या था, 1042 था, 1042 था पहले इसके पास, इसने क्या कहा कि भैया 1042 यहां चला आया। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट के पास क्या था, पहले 1042 था। अब क्या करना है, अब करना क्या था, करना सिंपल है कि जो न्यू नोड था, जो पूरा न्यू नोड का एड्रेस है, ये जो 1036 है, ये कहाँ चला, स्टार्ट के पास। तो हमने कहा भैया न्यू नोड के पास जो चीज़ है वो कहाँ चला जाए, स्टार्ट अपडेट हो गया। ठीक है, न्यू नोड के पास कितना था, न्यू नोड के पास 1036 था, 1036 कहाँ चला गया, 1036 स्टार्ट के पास हो गया। तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, यहाँ कनेक्शन ब्रेक हो गया। देखा कितना आसान तरीके से हमने एक नोड इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे इंसर्ट किया है, लास्ट की जगह फर्स्ट पोजीशन पे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लास्ट में, अभी बात की फर्स्ट में। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लॉजिक को समझिएगा,
कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों तक, अपने और स्टूडेंट तक, जहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाएगी उनका भी काम आसान हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली बार बिटवीन टिकट्स के लिए।